दोस्तों आज आपको यह बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप घर बैठे भी भर सकते हैं इस फॉर्म को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर अपने मोबाइल से भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर से जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों सरकार द्वारा समय समय पर गरीब परिवार के छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप योजना लाती रहती है, ठीक है, और वित्तीय ऋण करवाती है गरीब परिवार के अनाथ छात्रों के लिए। ये छात्रवृत्ति काफी मददगार साबित होती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी कुछ इसी तरह की स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। दोस्तों हर स्टेट में अलग अलग स्कॉलरशिप होता है, जैसे कि आपका बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, हर राज्य में अलग होता है। जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप अलग होता है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है, ये आपका जैसे कि आपका स्टेट गवर्नमेंट का, तो अलग अलग स्कीम होता है जो सरकार की योजना के तहत, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सीधी स्कॉलरशिप, मतलब की 2022 SC ST OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को सहायता और अवसर प्रदान करती है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रदान की जाने वाले छात्रवृत्ति राशि में लगभग 5-6 गुना वृद्धि हुई है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, ये सभी चीज, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे कि आपको जो स्कीम है ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें इस स्कीम में आपको इस तरह से पैसा मिलेगा, जैसे कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है, ओबीसी छात्र और जैसे छात्र छात्रा के लिए हर साल 600 से लेकर आपको 450 रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है, और आप SC ST, ठीक है, इसमें आपको 800 से लेकर 1000 रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है, जिसे राज्य छात्रवृत्ति स्कीम, ठीक है, इसमें आपको तीसरे से पांचवी की छात्रा को हर साल 500 रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है, इसमें कक्षा छठवीं आठवीं की SC ST छात्रा, ठीक है, इसमें 800-600 रुपए आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। अलग अलग जैसे कि आपके यहाँ पर मेल फीमेल होता है, उसके लिए आपको लड़के को और कम, मतलब जैसे कि आपको 600 रुपए मिलता है और जो लड़की है उसको 800 रुपए, ठीक है। उसमें ओबीसी का अलग रहता है छात्रा के छात्रा के लिए हर साल, मतलब 450 से लेकर 300 रुपए, ठीक है। आप इसमें ये बताते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसे हम कॉलेज कर रहे हैं या 10वीं 12वीं कर रहे हैं उसके लिए, तो SC ST ठीक है, हर साल जैसे 3,800 ठीक है, तो 2,250 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जैसे कि स्कॉलरशिप जो होता है अलग 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 मिलता है, ठीक है, अलग अलग क्लास के हिसाब से आपके सब्जेक्ट के अनुसार भी मिलता है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबका सबसे पहले एनवायरमेंट नंबर, ठीक है, एनवायरमेंट नंबर आपको कहां से मिलता है, जो आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उस टाइम, ठीक है, ये आपके हफ्ते या 2 दिन के बाद आपको मिलते हैं वापस, ठीक है। तो आधार कार्ड, उसके फोटो, बैंक खाता, जाति, निवास, आय, ठीक है, आमदनी जिसको बोलते हैं वो आपको बनवा कर रख लेना है, ठीक, मोबाइल नंबर, एडमिशन डेट, जब एडमिशन लेते हैं उस डेट का यहाँ पर फिल करना होता है। उसके बाद जैसे कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप 10वीं 12वीं का मार्कशीट लगाना होगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर कॉलेज यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं और सेकंड ईयर में है, ठीक है, तो आप पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और सेकंड ईयर में है, तो उसके बाद आपका आईडी पासवर्ड डालकर आपस रिन्यूअल कराना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ आय प्रमाण पत्र और आपको जो पिछले वर्ष का मार्कशीट, ये आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सभी चीज डॉक्यूमेंट लगेगा, और जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको वहां पर लिखना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप .cg.nic इन करके आपको सर्च कर लेना है, या तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप डायरेक्ट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छत्तीसगढ़ करके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह का पोर्टल मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ सबसे पहले कि आप यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है और अप्लाई करने का डेट है वो अभी यहाँ पर अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर यूर सेल्फ, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, जैसे कि आप बीए कर रहे हैं या आप बीकॉम जैसे बीएससी कर रहे हैं या पीजी जैसे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, तो आपके आपके लिए यहाँ पर रजिस्टर यूर सेल्फ पर आपको क्लिक करना है, तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों पिछले वर्ष का बता रहे हैं 2022-23 का, ठीक है, हम यहाँ पर भरेंगे 2023-24 का, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे भरना है आपको, ये आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगा। जैसे ओके करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पूरा यहाँ पर डिटेल आपको भरना होगा, ठीक है। तो आपको अंग्रेजी में भरना है, मतलब इंग्लिश में भरना है, ठीक है। तो भरने के बाद जैसे कि आपको वहां पर आपका रजिस्टर हो जाता है तो आप लॉग इन करने का ऑप्शन यहाँ पास मिलता है,
है, जैसे लॉग इन करेंगे तो आपका अपना आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पर जो कैप्चर है डालकर लॉग इन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर हम लॉग इन नहीं कर सकते हैं, और लॉग इन करेंगे तो अपना स्टेटस जो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर रिन्यूअल कराने के लिए सिर्फ आप आय प्रमाण पत्र की जरूरत होता है और पिछले वर्ष का मार्कशीट। बाकी अब जो पिछले वर्ष आप अपडेट किए हैं जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, अपना फोटो, जाति निवासी, ये सब सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ आपको हर महीने मतलब हर साल का आय प्रमाण पत्र अलग लगता है और पिछले वर्ष का जो मार्कशीट है वो अलग। ठीक है, तो ये इस तरह से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। और जैसे कि दोस्तों हम नए इसके वीडियो में हम आपको बताऊंगे कैसे आपको पूरे तरीके से